अस्सलाम वालेकुम माय ट्यू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो मॉर्निंग हो चुकी है, मैं आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। बस गैलरी वगैरह धुलवा के हेल्पर से वो सारा पोछा वोचा लगा रही है, सारा वॉश किया है। तो बस फिलहाल मैं अभी बना रही हूँ नाश्ता क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और आयान को जाने की देर हो रही है ट्यूशन। जल्दी जल्दी से बना ले। और हमारा नाश्ता अंडों से शुरू होता है, अंडों पर ख़त्म होता। तो अंडे तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी घोंसले से हैं। मुर्गी ने अभी दी अंडे, पूरे बाकायदा घोंसले के साथ आ गए। तो ये आ गया है मेरा मजेदार सा नाश्ता। ये चाय मुझे कुछ काली लग रही है। आयु आयु बालों को क्या हुआ? आयु के बालों पे ऐसा लग रहा है मम बढ़िया। आयु मम बढ़िया आपके बालों पे है? नहीं नहीं हटा दो, हटो सामने से। और इतनी खूबसूरत धूप आ रही है सामने से, बहुत मजेदार। ये रे बेटा आपके अंडे, ये रे आप जल्दी खा। आयु को चाहिए सारे अंडों की जल्दी मुझे दे दे खेलने के लिए। मैं अभी आई हूँ सिस्टर के घर पर। तो बस फिलहाल आज दिल चाह रहा था कहीं जाने का, तो बहन के घर पर आ गई। ये सिस्टर है जिसके यहाँ बहुत ज्यादा रौनक, ये देखिए कितनी प्यारी रौनक हो रही है। और आयु यहाँ पर अपना मोबाइल लेकर खड़ी हुई, और आयत ने ब्लैंकेट निकलवा दिया कि मैं लेटूंगी ब्लैंकेट में। आयु ब्लैंकेट में लेट होगी। आयु आयु मेरे साथ ही आई है। तो बस फिलहाल अभी हम लोग बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हो हमदू? क्या कर रहे हो? बस आज सारा दिन खूब घूमी हूँ मैं, क्योंकि जो है ना जिस दिन मैं पार्लर की छुट्टी मारती हूँ ना उस दिन मैं घूमती हूँ सब जगह। आया नहीं चमचा तो लाओ। और इसमें क्या है? ओ वाओ बिस्किट्स। तो सिस्टर के घर से खाना था, हम लोग खाकर आए थे और आते के साथ ही हमने बनाई है अपनी मजेदार सी चाय। चमचा मंगवाया था। और जीरे वाले बिस्किट चाय के साथ बहुत ही मजेदार लगते हैं। मैं आइए आवाज हल्की करें बेटा, थोड़ी सी आवाज हल्की करें आप अपनी। लायन ये आपकी चाय उठा ले। मेरा बन गया है नाश्ता, तो अब लेके चलता हूँ। ये मेरे फ्रेंच स्लाइस, फ्रेंच टोस्ट जो कि मुझे बहुत पसंद है। आओ आयत, एक पोनी खोल दी, एक बंदी हुई है आपकी आयत। सासा सफाइयाँ भी चल रही हैं और नाश्ते भी चल रहे हैं। अयान वो लेके आ जाओ एक प्लेट।
और मॉर्निंग हो चुकी है, बहुत फ्रेश फ्रेश थी सर्दियों की धूप में आकर खड़ी हुई हूँ मैं। नाश्ता भी खास साथ साथ लगा लिया है मैंने, मैंने कहा इतने ये लोग इमरान और ये बच्चे बैठेंगे इतनी देर में, मैं थोड़ी सी देर धूप में खड़ी हूँ, इतनी अच्छी लग रही है धूप सुबह सुबह की। तो बस फिलहाल नाश्ता कर लेती हूँ, फिर फ्रेश होंगी, फ्रेश होने के बाद नहाऊंगी यानी कि, और फिर मैं जाऊंगी सैलून, शायद चली जाऊँ और क्या पता नहीं भी जाऊँ, पता नहीं है अभी कुछ, लेकिन जाना तो है। तो बस फिलहाल रात में आई थी वहां से सिस्टर के घर से, तो बस ब्लॉग एंड भी नहीं किया और यूं ही सो गई, इतनी थकी हुई थी। तो बस फिलहाल अभी उठी हूँ, कल वाला ब्लॉग ही चल रहा है, पता नहीं आजकल की रूटीन यही हो गई है, दो दो दिन के ब्लॉग एक साथ आ रहे हैं। असल में घर में होती हूँ ना, घर की रूटीन का समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या करूँ क्या करूँ, तो फिर ये सोच रही होती हूँ कि चलो दो दिन का एक साथ ही सही है, लोग बोर तो नहीं होंगे ना उससे फिर। और आयत हमें इशारा कर रही है कि जल्दी से मेरा जो है ना अंडे का हशर करके दिया जाए, जल्दी से निकल गई है आई, क्या कर रहे हो अजान? अजान आया अभी स्कूल से, स्कूल और मदरसे से, और अभी जाने की तैयारी है ट्यूशन। नाश्ता वाश्ता हो गया, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और बस फिलहाल अभी जाने की तैयारी है सैलून। तो अभी ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ में, जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा, हाफिज़।